ध्यान देने योग्य कुछ जरूरी बातें। दोस्तों आज फिर से मैं आपके लिए हकीम लुकमान के कुछ नायाब से नुस्खे लेकर आई हूँ, ध्यान से सुने। सबसे पहले है, घर में जो भी आपकी लकड़ी के सामान है, लकड़ी का फर्नीचर है, उनकी साफ सफाई के लिए आप नमकीन पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर दो, अमरूद सोते समय खा लो, डिप्रेशन कम होगा। नंबर तीन, नाखून दांतों से काटोगे तो दिमाग कमजोर होगा, लिहाजा नाखून दांतों से न काटें। नंबर चार, अगर आपकी एड़ियां फटने लगे तो मोमबत्ती का मोम अपनी एड़ियों पर लगा लो, नहीं फटेंगी। नंबर पाँच, मर्द की मर्दानगी कम होने लगे तो लौंग का पानी पीना शुरू करें। नंबर छः, साग के अंदर मक्खन डालकर खा लो, रात को बार बार पेशाब आना रुक जाएगा। नंबर सात, अगर थकावट ज़्यादा महसूस होने लगे तो नमकीन पानी पी लिया करें। दोस्तों आप पानी में काला नमक डालकर पी सकते। नंबर आठ, सलाद का इस्तेमाल दोपहर को खाने में करें, इससे आपको मौसमी प्रभाव नहीं पड़ेंगे। नंबर नौ, हफ्ते में एक बार आड़ू जरूर खाया करें, जोड़ों का दर्द नहीं होगा। नंबर दस, इमली का शरबत निहार मुंह पीने से कुछ ही दिनों में मोटापा गायब हो जाता है। नंबर ग्यारह, कद्दू ज्यादा खाने वाले लोगों को सुकून की नींद आती है। नंबर बारह, दिमागी थकावट के लिए गोश्त की जगह सलाद खाओ, दिमागी सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। नंबर तेरह, एक छोटा सा टुकड़ा अनार के छिलके का चबाने से पुरानी खांसी और एलर्जी दूर हो जाती है। नंबर तेरह, हल्दी जिगर को खराब होने से बचाती है। नंबर चौदह, अगर पेशाब के दौरान जलन महसूस होने लगे तो आप थोड़ा सा ठंडा पानी पी लें। नंबर 15, जो लोग तेजी से रोटी खाते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, उनको डाइजेशन की बीमारियां हो जाती हैं। नंबर 16, रात को सोने से पहले रोजाना दांत साफ करें, कभी दांत खराब नहीं होंगे और ना ही कमजोर पड़ेंगे। नंबर 17, जो लोग रात को बकरी का दूध पीते हैं वो अगले दिन चाहे जितना भी काम करें वो थकेंगे नहीं। नंबर 18, माँ और बच्चों के बीच असीम प्रेम की शुरुआत छाती का दूध पिलाने से शुरू होती है। नंबर 19, सोने से पहले मुंह में इलायची रख लो, जिंदगी भर मुंह से बदबू नहीं आएगी। नंबर 20, बवासीर की बीमारी हो तो मेथी की चटनी बनाकर खाएं। नंबर 21, जिनकी पलकें घनी होती हैं उनका दिमाग तेज होता है। नंबर 22, मोटी औरतें खजूर और शहद में अजवाइन मिक्स करके खा लें, कुछ ही दिनों में उनका वजन कम होने लगेगा। नंबर 30, जिस इंसान से आपको खूनी रिश्ता ना हो मगर फिर भी वो आपको वो इज्जत और प्यार दे तो निश्चिंत ही वो आपके लिए बेहतरीन रिश्ता है। नंबर 24, मुश्किल वक्त में किसी का एहसान न लो, क्योंकि मुश्किल वक्त चार दिन का और एहसान जिंदगी भर का होता है। नंबर 25, छोटी उम्र में शादी करने से इंसान जल्दी बूढ़ा होने लगता है। नंबर 26, चावल खाने के फौरन बाद पानी ना पियो, इससे आपका पेट फूलने लगेगा। नंबर 27, पानी पीने के दौरान नींबू चाट लिया करो, लटका हुआ पेट हफ्ते में ही अंदर चला जाएगा। नंबर 28, रोजाना 60 ग्राम मेथी दाना सुबह शाम पीसकर पानी में भिगो दें, 10 घंटे बाद छानकर पी लो, एक हफ्ते में ही आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। नंबर 29, दूध के साथ जीरा खा लेने से दिल की नली खुल जाती है, यानी जिनको भी ब्लॉकेजेस हैं वो दूर होने लगेंगे। नंबर 30, सफ़ेद बालों के लिए प्याज बहुत फायदेमंद है, प्याज का पेस्ट बनाकर सर पर लगाएं, कुछ देर बाद अच्छे शैम्पू से धो लें, कुछ ही दिनों में चंद ऐसा करने से सफ़ेद बाल काले होने लगेंगे। 31, मीठी चीज़ें खूबसूरती और सेहत के लिए जहर हैं। 32, हल्दी का इस्तेमाल चेहरा जवान रखता है। नंबर 33, खरबूजे के बीज सुखा कर चबाने से याददाश्त कमजोर नहीं होती। नंबर 34, जामुन की लकड़ी को घर में जलाकर धुनी देने से कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। नंबर 35, अंगूठे पर तेल की मालिश करने से आंखों की रोशनी तेज होने लगती है। नंबर 36, रोजाना एक केला खा लेने से गुस्सा, दिमागी दबाव और चिड़चिड़ापन खत्म होने लगता है। नंबर 36, दूध पीकर खजूर खाने से दिमाग तेज होता है।
नंबर 37, पालक खाकर तुरंत सो जाने से नींद ठीक तरीके से नहीं आती। नंबर 38, अंगूर खाने के बाद ऊपर से पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत बुरा हैसा हो सकता है। नंबर 39, गर्म दूध पीने से हड्डियां बहुत मजबूत बनी रहती है। नंबर 40, हल्दी वाला दूध पीने वाले पर कभी भी सांप बिच्छू का जहर जल्दी असर नहीं करता। नंबर 41, डिप्रेशन की वजह से आप सामान्य से 3 से 4 गुना ज्यादा सपने देखते हैं। यदि आपको डिप्रेशन की बीमारी है तो आपको सपने भी ज्यादा आएंगे। 42, कच्चे फल और कच्ची रोटी नहीं खानी चाहिए, ऐसा करने से आपका दिमाग कमजोर होने लगता है। नंबर 43, पैदल चलने से पहले अंजीर खाने की आदत घुटनों में ताकत पैदा करती है, जब भी आप वॉक के लिए निकलें तो अंजीर खा लें। 44, खाना हमेशा चबाकर और धीरे धीरे रुक रुक कर ठहर ठहर कर खाना चाहिए, ऐसा करने से आपका वजन कम होने लगेगा। 45 नंबर देखते हैं दोस्तों, रात को सोते समय जैतून के तेल को दोनों हाथों पर लगाकर दोनों आंखों पर अच्छे से लगा लेने से आपके आंखों का जो आकर्षण है वो बढ़ने लगता है। तो दोस्तों आज के लिए इतनी ही जानकारी, आशा है दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत